अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले चैप्टर्स देख लिए हैं। यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, इन्हें देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। चैप्टर 5 की शुरुआत में वैसेलिना अपने पिता से जानने की विनती करती है कि अब निकोलाय कहाँ है, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि अब वो नहीं रहा। पर वैसेलिना को इस पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ सर्वेंट डिटेक्टिव अलेक्जेंडर से सवाल करता है कि हम निकोलाय को सभी से छुपा कर उसका अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि खेत में हुई घटना का जिम्मेदार निकोलाय ही है, इसलिए उसका भी ऐसे ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। पर सर्वेंट उसके अजम्पशन को चैलेंज करता है कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। पर डिटेक्टिव अलेक्जेंडर सर्वेंट की बात सुनने से इनकार कर देता है। वो अब डॉक्टर से मिलता है क्योंकि निकोलाय को दफनाने से पहले उसे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत होती है कि निकोलाय की मौत आखिर कैसे हुई। पर डॉक्टर निकोलाय का पोस्टमार्टम करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो उसका एक अच्छा दोस्त था, इसलिए डिटेक्टिव अलेक्जेंडर को खा लिया जाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे याकीम मिलता है जो निकोलाय का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करना चाहता था। पर डिटेक्टिव अलेक्जेंडर उसे मना कर देता है और बस एक प्रीस को उसकी श्रद्धांजलि के लिए अलाव करता है। अब तक सभी निकोलाय को कॉफिन में रखकर दफना चुके होते हैं, पर अब निकोलाय की आंख मानो आफ्टर लाइफ में खुलती है, जहां उसे उसके पिता दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि वो अब सच में मर चुका है। निकोलाय के पिता किसी कारण से उससे माफी मांगने लगते हैं, जो निकोलाय को जरा भी समझ नहीं आता कि वो आखिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। तभी वहां वो ही बिना नाक वाला अनजान आदमी आता है जो बताता है कि तुम्हारे पिता नर्क की आग में जल रहे हैं और जब तक वो जलते रहेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे क्योंकि तुम अंधेरी दुनिया से हो। इसी के साथ निकोलाय फिर से अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है और अपने आप को कॉफिन में कैद पाता है और किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। उसके जीवित होने के बारे में किसी को भी भनक नहीं रहती, इसलिए वो सभी जाने लगते हैं। पर निकोलाय कैसे तो कॉफिन को तोड़कर आजाद हो जाता है। निकोलाय को जिंदा देखकर डिटेक्टिव अलेक्जेंडर एकदम हैरान हो जाता है और बाकी सभी निकोलाय को निकाल कर उसे घर ले आते हैं। अब जब निकोलाय जीवित है डिटेक्टिव अलेक्जेंडर शक के बेसिस पर उसे हिरासत में ले लेता है। वो निकोलाय को याद दिलाता है कि सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था कि उन लड़कियों को कहां छिपाया गया था। उनका मरा मिलना इसी तरह इशारा करता है कि या तो तुम रहस्य में घुड़सवार के साथ मिले हुए हो या तुम खुद ही वो हो। निकोलाय को समझ नहीं आता कि वो कैसे उसे भरोसा दिलाए। फिर तभी उसे याद आता है कि जब वो लीजा के घर गया था वहां उसने लीजा और उसके पति के सामने बात छेड़ी थी कि हमने उन लड़कियों को खेत में कहां छिपाया है, जिससे निकोलाय का शक अब एलेक्सी की तरफ मुड़ जाता है कि शायद वही इसमें शामिल है। पर डिटेक्टिव निकोलाय की कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं होता। इसके बाद हम एलेक्सी को देखते हैं जो नदी के पास ओक्साना से मिलता है। ओक्साना उससे सवाल करती है कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो, पर एलेक्सी इसका कोई जवाब नहीं देता। वो इन रिटर्न उससे एक सौदा करने आया होता है कि वो निकोलाय को अपने प्यार में फंसा के इस केस से दूर रखे। पर ओक्साना जवाब देती कि वो मर चुकी है, उसे जीवित होना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। वहीं निकोलाय लीजा को पसंद करता है और एलेक्सी उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिचुअल की मदद से वापस ला सकता हूँ, और रही बात लीजा की तो तुम उसकी चिंता मत करो। अब ओक्साना इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि वो मन ही मन निकोलाय को बहुत पसंद करती है। यहाँ निकोलाय और यकीम जेल में होते हैं क्योंकि अलेक्जेंडर ने यकीम को भी जेल में डाल दिया होता है क्योंकि वो अलेक्जेंडर का सर खा रहा था कि निकोलाय निर्दोष है। यकीम उन्हें छोड़ने की विनती कर रहा होता है जिस पर निकोलाय उसे शांत रहने को कहता है, पर तभी यकीम कहता है कि हम यहाँ जेल में पड़े पड़े ही मर जाएंगे और आप अब तीसरी बार जीवित नहीं हो सकोगे। जो बात निकोलाय को कुछ समझ नहीं आता और वो यकीम से इसके बारे में पूरी जानकारी बताने को कहता है। यकीम अब रिवील करता है कि जब आपने जन्म लिया था उससे पहले आपके 5 भाई भी जन्म लेते ही मर गए, जिससे आपके पिता को चिंता होने लगी कि अगला बच्चा भी कहीं मरा हुआ ना जन्म ले। उसी दौरान उनके पड़ोस में कुछ लोग रहने आए जिससे तुम्हारे पिता की दोस्ती हुई, पर अजीब कारण से उन सब के नाक नहीं थे जो अपने नाक पर हमेशा पट्टी लगाए रहते थे, और जब आपका जन्म हुआ तब आप भी मरे जन्म लिए। तब उनमें से एक बिना नाक वाला इंसान आया जिसने अपनी उंगली आपके पास रखी और कहा कि तुम जीवित रहोगे अंधेरी दुनिया में, और देखते ही देखते आप चमत्कार तरीके से जीवित हो गए। उसके बाद उस आदमी का कुछ पता नहीं चला जो वही इंसान था जो निकोलाय को आफ्टर लाइफ में दिखाई दिया था कुछ देर पहले। पर यहाँ गांव के लोगों को भी यकीन हो जाता है कि निकोलाय ने उन 7 लड़कियों का शिकार किया, इसलिए सभी गुस्से के जोश पर जेल पर धावा बोलते हैं और निकोलाय को सजा देने के लिए उसे बाहर खींच कर लाते हैं। सभी गुस्से की आग में निकोलाय को जलाने वाले होते हैं, पर तभी वैसेलिना आती है जो कोई मंत्र पढ़ने लगती है जिससे वहाँ बारिश हो जाती है और वो जली हुई आग भी बुझ जाती है। पर इसे भी गांव वाले नहीं रुकते, वो सब अब निकोलाय को फांसी देने पड़ते हैं, और उसी दौरान निकोलाय को एक भयानक
विजन भी आता है जिसमें एक चिड़िया बंदी होती है और लीजा को रहस्य में घुड़सवार अपने साथ ले जाता है। पर तभी एक और चमत्कार डिटेक्टिव याको पेट्रोविच रेजरेक होकर निकोला को बचाने आते हैं। वो सभी गांव वालों को चुपचाप जाने की चेतावनी देते हैं वरना वो सभी उनके हाथ मारे जाएंगे। जिस दौरान डिटेक्टिव याको पेट्रोविच निकोला को बताते कि मैं हीना के घर गया था जानकारी निकालने के लिए जो हमने पहले पार्ट के पहले चैप्टर में देखा था जहां उनका सामना रहस्य में घुड़सवार से हुआ और जब हम दोनों घर के मलबे पर दब गए तब मुझे ऐसा लगा कि मैं मारा गया पर भाग्य से मेरी जान बच गई जिसके बाद रहस्य में घुड़सवार वहां से गायब हो गया और मैं फिर से रिटर्न पीटर्सबर्ग लौट गया जिससे निकोला समझ जाता है कि डिटेक्टिव याको पेट्रोविच दूर से ही इस केस को सुलझाने में लगे थे। निकोला अब डिटेक्टिव याको पेट्रोविच को एलेक्सी के बारे में बताता है। वो कहता है कि इन सब में उसका बड़ा हाथ हो सकता है और हमने यदि उसे नहीं रोका तो वो अपनी आखिरी शिकार लीजा को भी मार देगा। डिटेक्टिव याको पेट्रोविच को भी पता चल गया होता है कि रहस्य में घुड़सवार सिर्फ त्योहार वाले दिन हमला करता है और अगला त्योहार आज ही के दिन है क्योंकि आज ही के दिन स्वर्ग के देवता धरती के शैतानों को दंड देते हैं। डिटेक्टिव याको पेट्रोविच निकोला से अपना डब्बा मांगते हैं जिस दौरान डिटेक्टिव अलेक्जेंडर उनसे सवाल करता है कि ये लॉकेट आखिर है क्या, जिस पर वो जवाब देते कि तुम्हें शायद आज मालूम हो जाएगा। अब हम ओक्साना को देखते हैं जिसके करीब रहस्य में घुड़सवार आता है जो उसके दिल पर हाथ रखता है जिससे मानो उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। दूसरी तरफ सभी लीजा के घर आते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। निकोला को फिर से विजन आता है जहाँ उसे गुप्त गुफा दिखाई देती है। विजन से निकलने के बाद वो सभी उस गुप्त गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं और अंत में उसे ढूंढ भी निकालते हैं। ये जगह दरअसल वही जगह होती है जहाँ रहस्य में घुड़सवार ने ओक्साना को जिंदा किया था। ओक्साना वहीं लेटी होती है और वहीं एलेक्सी भी आ जाता है जो उन तीनों पर गन तान देता है पर डिटेक्टिव अलेक्जेंडर उसे शूट करके वहीं ढेर कर देते हैं जिसके तुरंत बाद ओक्साना की आंखें खुलती है। पर अब इन तीनों को लगने लगता है कि उन्होंने रहस्य में घुड़सवार को मार गिराया। पर तभी रहस्य में घुड़सवार प्रकट होता है जो ओक्साना का गला काट कर उसकी आत्मा को नर की दुनिया में भेज देता है और उसका सारा खून पी जाता है। इसके तुरंत बाद वहाँ भयंकर तूफान शुरू हो जाता है जिस आड़ में रहस्य में घुड़सवार गायब हो जाता है और उसकी जगह लीजा नजर आती है जो अजीब बातें करने लगती है कि 12 लड़कियां थी और उनमें से एक ने पुनर्जन्म पा लिया। जिसके बाद ये चैप्टर 5 यहीं समाप्त हो जाती है। चैप्टर 6 की शुरुआत 163 साल पहले लीजा की कहानी बताई जाती है जो अपनी बहन मारिया से तलवारबाजी सीख रही होती है। तो अभी उनके पिता आते हैं जो बताते हैं कि हम एक रहस्य में इंसान नेम कैश्मीर का शिकार पर जा रहे हैं जिसने उनके राज्य पर उधम मचा रखा है। वो अपने साथियों के साथ बारबरिक पोल्स के लोगों से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब लीजा और मारिया बातें कर रहे होते हैं तो अभी उनके पिता का एक साथी वो एक बुरी खबर देता है कि बारबरिक पोल्स के लोगों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें उसके पिता चल बसे। उनका लीडर सच में रहस्य में उस पर किसी भी चीज का असर नहीं हुआ। ये खबर सुनकर दोनों एकदम से दुखी हो जाते हैं। लीजा अब अपने पिता का बदला लेना चाहती है इसलिए उस रहस्य में इंसान को हराने के लिए वो एक झुग्गी में रहने वाली डायन के पास जाती है जो लीजा को एक लॉकेट देती है जो वही लॉकेट है जो हमने डिटेक्टिव याको पेट्रोविच के पास देखा था। वो डायन बताती है कि ये किसी भी रहस्य में इंसान की शक्ति को कम कर सकता है पर वो सावधानी बरतने को कहती है क्योंकि उस डायन ने लीजा के मन को पढ़ लिया होता है कि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। वहीं वो उन्हें चेतावनी भी देती है कि ये चीज तुम्हें कभी सुख नहीं देंगे बल्कि परेशानी में ही डाल देंगे क्योंकि शैतान ही तुम्हें सजा देगा। पर लीजा को बस अपने पिता का बदला लेना होता है इसलिए वो डायन की चेतावनी को इग्नोर करके उससे लॉकेट ले लेती है। अब सीन उसी तरफ लौट जाता है जहाँ रहस्य में घुड़सवार ने ओक्साना की हत्या की थी। लीजा अब भी बड़बड़ा रही होती है। वो बताती कि 12 लड़कियां हैं जिसमें से एक का पुनर्जन्म होगा। अब लीजा ने आखिर ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा क्योंकि तब तक डिटेक्टिव याको पेट्रोविच मौका देकर अपना लॉकेट लीजा के गले में डाल देते हैं जिससे मानो लीजा अपना होश खो बैठती है। इसके बाद वो रिवील करते हैं कि रहस्य में घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि लीजा ही है और ये लॉकेट किसी भी डायन या रहस्य में इंसान को वश में कर सकता है। इसके बाद डिटेक्टिव याको पेट्रोविच लीजा को अपने साथ सेंट पीटर्सबर्ग ले जाने वाले होते हैं और डिटेक्टिव अलेक्जेंडर उन्हें रोक लेता है क्योंकि उनके अनुसार ये किस डिकान का गांव का है। और डिटेक्टिव याको पेट्रोविच को ये बात पसंद नहीं आती इसलिए वो उसे वहीं के वहीं इस केस से बर्खास्त कर देते हैं और पूरा केस अपने हाथ ले लेते हैं। पर डिटेक्टिव अलेक्जेंडर भी उनके साथ जाना चाहता है पर वो उसे जाने नहीं देते जिसके बाद वो डिटेक्टिव अलेक्जेंडर और निकोला को ओक्साना और एलेक्से की लाश ठिकाने लगाने का आदेश देते हैं। वहीं वैसेलिना अपने पिता से सवाल करती है कि अब निकोला जिंदा कैसे है जिस
इस पर उसके पिता जवाब देते हैं कि डिटेक्टिव याको पेट्रोविच ने उन्हें बचा लिया। वैसेलिना फिर एक अजीब सी बात शेयर करती है कि मुझे ये सारी बातें मेरी गुड़िया बताती है। ये बात सुनकर वो एकदम क्रोधित हो जाते हैं कि एक साधारण गुड़िया ये सब कैसे बता सकती है, इसलिए वो गुस्से में उस गुड़िया को तोड़ देते हैं, जिस पर वैसेलिना रूट कर घर से भाग जाती है। दूसरी तरफ लीजा डिटेक्टिव याको पेट्रोविच को आगे की कहानी बता रही होती है कि लीजा और उसकी बहन बैरबेरिक पोल्स के लोगों के पास पहुंच गए थे और चोरी छुपे अंदर दाखिल भी हो गए, जहां वो दोनों ने एक सिपाही को घायल करके लीजा ने उसका वस्त्र पहन लिया और अपनी बहन को फेक बंदी बनाकर उनके लीडर कैसिमीर के पास ले आए ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और मौका देकर कैसमेरी पर वो लॉकेट डाल सके। वो दोनों भी अंत में अपने चाल में सफल हो गए और कैसमेरी पर लॉकेट डालते ही वो एकदम से कमजोर पड़ गया। आपसीन फिर से डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच की तरफ लौट जाती है, जो लीजा से माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारे पति एलेक्सिया पर गलत इल्जाम लगाया कि वो ही रहस्य में घुड़सवार है। पर लीजा रिवील करती कि एलेक्सी उसका पति नहीं है, वो बस उसके साथ काम कर रहा था क्योंकि उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो ऐसे दवा बना सके जिससे लीजा इंसान बनी रहे। जब लीजा एलेक्सिया से मिली तब वो एक लड़का था और वो मेरे प्यार में पड़ गया, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मेरे प्यार में कायल, उसने आखिरी दम तक मेरे साथ रहने का वादा किया इसलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। अब फिर से लीजा की कहानी कंटिन्यू होती है, जहां लीजा और उसकी बहन कैसमेरी को अगवा करके शैतानों की बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे होते हैं। पर बीच सफर में जब दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं तो कैसमेरी मारिया को अपनी प्यार भरी बातों से बहलाने लगता है, पर लीजा उसकी चाल को समझ जाती है और सीन कट होकर निकोलाय और डिटेक्टिव एलेक्जेंडर की तरफ मुड़ जाती है, जो ओक्साना और एलेक्सिया की लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। डिटेक्टिव एलेक्जेंडर कहते हैं कि हमने इस केस पर इतना काम किया है तो हमें भी लीजा की जानकारी मालूम करने का मौका मिलना चाहिए, जिसके बाद लीजा की कहानी फिर से कंटिन्यू होती है, जहां लीजा आराम कर रही होती है और कैसेमीर मौका देकर इस बार मारिया को फिर से बहला रहा होता है, जिससे अब मारिया का दिल सच में कैसेमीर पर आ जाता है और वो उसकी बातों में आकर उसके गले से लॉकेट निकालने पड़ती है। पर सही समय पर लीजा मारिया को रोकने के लिए उससे लड़ पड़ती है। लीजा उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो प्यार में पागल सुनने को तैयार नहीं होती, वो लीजा की जान लेने ही वाली होती है कि मारिया का पैर फिसल जाता है और खाई में गिरकर उसकी वहीं मौत हो जाती है। अपने बहन के खोने के क्रोध में अब वो कैसेमीर की जान लेने का तय करती है, पर कैसेमीर उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मुझ पर लगा श्राप तुम पर लग जाएगा। पर लीजा उसकी बातों पर यकीन ना करके उसका सिर ही एक झटके में धर से अलग कर देती है। पर अब कैसेमीरी का कटा हुआ सिर लीजा को बताता है कि अब तुम शापित हो गई, तुम कभी भी नहीं मरोगी, तुम्हें हर 30 साल में 12 लड़कियों की बलि देनी होगी और उसमें से एक पुनर्जन्म पालेगी, पर तुम्हें उसे पुनर्जन्म के बाद उसे मारकर उसका बलिदान देना होगा, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान निकल जाएगी और आखिर में नर्क के दुनिया में हमेशा के लिए झुलसती रहोगी। जिसके बाद कैसेमीरी का श्राप लीजा में समा जाता है और इसी तरह लीजा रहस्य में घुड़सवार में बदल गई। यहाँ डिटेक्टिव याको पेट्रोविच लीजा को बताते कि मेरे जांच के अनुसार तुमने आज से 60 साल पहले 12 लड़कियों का शिकार किया, पर तुम 12 ही नहीं बल्कि 13 का शिकार करती हो और तुम्हारा 13वां शिकार एक प्रीस की पत्नी थी। उसके बाद तुमने 30 साल पहले फिर से 12 लड़कियों को मारा और तुम्हारा 13वां शिकार युवा कोसैक था और तुम जिसे भी अपना शिकार बनाती हो वो साधारण इंसान नहीं होता, उसके पास कोई ना कोई अद्भुत शक्ति होती है और हर बार की तरह इस बार भी तुम 13वां शिकार करोगी। वो एक और मिस्ट्री रिवील करते हैं कि मेरे निकोलाय पर सारी जांच के अनुसार जब वो मरा हुआ जन्म लिया तब तुमने ही उन बिना नाक वाले लोगों को निकोलाय को जिंदा करने के लिए भेजा, पर तुमने निकोलाय को नहीं मारा बल्कि उसके बदले तुमने ओक्साना को फिर से जीवन देने का लालच दिया और उसे फिर से जीवित करके उसे ही मार दिया। लीजा डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच के दावे को एक्सेप्ट करती है कि मेरा 13वां शिकार निकोलाय ही था, पर वो उसे नहीं मार पाए क्योंकि लीजा उसके प्यार में पड़ गई। ये सारी बातें चोरी छिपे डिटेक्टिव एलेक्जेंडर और निकोलाय वहीं चुपकर सुन रहे होते हैं। लीजा डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच से कहती है कि तुम मुझे सेंट पीटर्सबर्ग ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, पर डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच बताते हैं कि वो उसे अपने एक गुप्त सोसाइटी में रखना चाहता है जहां वो अपनी सारी शक्तियों के बारे में बता सके, पर लीजा इसके लिए मना कर देती है, जिस पर डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच कहते हैं कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वो निकोलाय को मार देंगे। दरअसल ये बात वो लीजा को बहलाने के लिए कह रहे हैं ताकि वो राजी हो सके। दूसरी तरफ सभी वैसेलिना को ढूंढ रहे होते हैं, पर वैसेलिना किसी पेड़ के पास कोई रिचुअल का जाप पड़ रही होती है। उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे उसकी गुड़िया जो उन्होंने तोड़ दी
थी उसे जोड़कर उसे लौटा देते हैं, जिससे वैसिलीना शांत हो जाती है। पर अब वो अपने गुड़िया की मदद से बताती है कि निकोलाय अब मुसीबत में है, हमें उनके पास जाना चाहिए। इसलिए सभी मिलकर लीजा के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं यहाँ डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच की सीक्रेट सोसाइटी की बात सुनकर दोनों उनके सामने आ जाते हैं और डिटेक्टिव अलेक्जेंडर डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच पर गन तान देता है। डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच डिटेक्टिव अलेक्जेंडर को लालच देते हैं कि वो डिटेक्टिव अलेक्जेंडर को सेंट पीटर्सबर्ग का पुलिस हेड बना देंगे, जिसके बदले उसे गन नीचे करना होगा। पर अलेक्जेंडर पर अलग ही भूत सवार वो लीजा को वहीं शूट कर देता है। निकोलाय अब लीजा के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वो निकोलाय से अब विनती करने लगती है कि उसके गले से लॉकेट को निकाल दे। निकोलाय बेचारा प्यार में मजनू उसके लॉकेट को निकाल देता है, जिसकी सुपरनेचुरल असर में उसे जोरदार झटका लगता है। वहीं अब लीजा उसी रहस्यमय घुड़सवार के रूप में बदल जाती है। अलेक्जेंडर और डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच लीजा से लड़ने लगते हैं, पर वो दोनों भी उसके सामने टिक नहीं पाते और वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और फिर लीजा अपने असली रूप में बदलकर निकोलाय से कहती कि तुम भी शापित हो और मैंने ही तुम्हें पुनर्जीवित किया। वो दोनों को यहाँ से दूर जाने की विनती करती है कि हमारे पास 30 साल रहेंगे साथ में रहने के लिए, जिसके बाद वो किसी का शिकार ना करने का वादा करती है, क्योंकि वो उसके साथ अगला 30 साल बिताना चाहती है, जिसके बाद वो अपने आप ही अपना दम तोड़ देगी। पर निकोलाय उसके बातों में नहीं आता, क्योंकि उसने अब तक कई मासूमों की जान ली। तभी वहाँ फिर गाँव की एक औरत नेम क्रिस्टीन आ जाती है, जो लीजा पर इल्जाम लगाती है कि तुम झूठ बोल रही हो, 30 साल बाद भी तुम्हारा खुद पर नियंत्रण नहीं रहेगा और फिर से तुम लोगों की जान लोगी। अब जैसे ही क्रिस्टीन लीजा को छोटी बहन कहकर बुलाती है, तब क्रिस्टीन को समझ आता है कि वो उसकी बहन मारिया है। दरअसल जब मारिया खाई में गिरकर मारी गई, तब उसके मरने के बाद आफ्टर लाइफ में प्रवेश करने पर शैतान के देवता ने उससे एक इच्छा पूछी, जिस पर मारिया ने जवाब दिया कि वो अपने बहन से प्रतिशोध लेना चाहती है। शैतान ने फिर उसकी इच्छा को पूरी की और उसे क्रिस्टीन का रूप दिया और बताया कि जब तुम अपनी बहन की जान ले लोगी, तब तुम एक साधारण इंसान का जीवन जी पाओगी। जिसके बाद शैतान ने मारिया को दिकांगा गांव भेज दिया। मारिया बताती कि वो इस मौके का कब से इंतजार कर रही थी कि कब लीजा उसकी तरह किसी के प्यार में पड़े, ताकि जैसे उसने कैश्मीरी की जान ली, वैसे ही अब उसका मकसद लीजा का प्यार निकोलाय की जान लेने की होती है। इसलिए मारिया में अब शैतानी शक्ति बसी, वो सुपरनेचुरली लीजा और निकोलाय का गर्दन मरोड़ने लगती है। डिटेक्टिव अलेक्जेंडर उसे रोकने पड़ते हैं, पर मारिया उसे अपने ही वश में कर लेती है और खुद को ही अपनी ही तलवार से जान लेने पर मजबूर कर देती है। इसके तुरंत बाद मारिया निकोलाय को अपनी तरफ सुपरनेचुरली खींचकर उसमें अपनी तलवार घुसेड़ देती है। इससे पहले कि मारिया बेकाबू हो जाए, अपने अंतिम समय में निकोलाय लीजा को फिर से रहस्यमय घुड़सवार में बदलने को कहता है, ताकि वो मारिया से बराबरी में लड़ सके। पर लीजा ऐसा करने से इनकार कर देती है। वो अपना प्यार उसके प्रति दर्शाने के लिए अपनी पूरी शक्ति निकोलाय में ट्रांसफर कर देती है, जिससे निकोलाय अपने बचपन के शापों से मुक्त हो जाता है। जिसके बाद लीजा अपने असल बूढ़े शरीर में बदल जाती है और निकोलाय से माफी मांगती है जो अब तक उसने किया। जिसके तुरंत बाद ईवल मारिया उसका सिर धर से अलग करके अपना बदला पूरा करती है और अब निकोलाय की भी फिर से जान लेनी पड़ती है। पर तभी वैसिलीना आ जाती है और वो अपनी जादुई गुड़िया मारिया के सामने कर देती है, जिससे कोई अद्भुत शक्ति निकलती है, जिससे मारिया का चेहरा आग पकड़ लेता है। निकोलाय मौका देकर वो ही शापित लॉकेट मारिया पर लगा देता है, जिससे वो साधारण इंसान में बदल जाती है और फाइनली ये केस यहीं क्लोज हो जाता है। इसके कुछ देर बाद डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच निकोलाय के साहस और समझदारी से इंप्रेस होकर उसे अपने सीक्रेट सोसाइटी में शामिल होने का आमंत्रण देते हैं, पर निकोलाय उसे सरासर ठुकरा देता है, क्योंकि लीजा को खोने का उस पर अब सदमा पहुंचा होता है। डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच मारिया को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग चले जाते हैं। वहीं बाकी सभी डिटेक्टिव अलेक्जेंडर का अंतिम संस्कार करते हैं और निकोलाय भी याकीम के साथ फिर से सेंट पीटर्सबर्ग लौट जाता है। पर इतने दिनों बाद भी निकोलाय लीजा को खोने के सदमे से नहीं उबरा होता, इसलिए शराब में धूत होने लगता है। पर इसी दौरान वो अपनी सारी कहानी पन्नों में उतारने लगता है। निकोलाय अंत में अपनी उसी कहानी की किताब पब्लिश करता है और देखते ही देखते उसे एक राइटर की सफलता मिलती है, जो कभी उसका सपना हुआ करता था। कुछ इसी दौरान जब वो फैंस के लिए अपनी किताब पर ऑटोग्राफ दे रहा होता है, तभी एक लड़की जो ऑटोग्राफ के लिए आई होती है, वो देखते ही देखते जिसे डायन के रूप में बदल जाती है। अब जैसे ही वो निकोलाय पर हमला करने वाली होती है कि तभी कुछ हंटर्स आ जाते हैं, जो डायन को कैद करके अंत में उसे धरती से ही आजाद कर देते हैं। और फिर उसमें से एक पुश्किन अपने साथी मिकेल से मिलवाता है, जो बताता है कि हम यहाँ एक खास काम से आए हैं। दरअसल वो उसे डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच की सीक्रेट सोसाइटी के बारे में याद दिलाता है, जिसके खिलाफ वो दोनों लड़ रहे हैं। वो उस सोसाइटी का खात्मा करना चाहते हैं, जिसमें शामिल होने
होने के लिए वो उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का आमंत्रण देते हैं। निकोलाय जिसे डिटेक्टिव याको पेट्रोविच का काम करने का तरीका पसंद नहीं आया अंत में, इसलिए वो उनके साथ ज्वाइन करने का तय करता है और ये सीरीज इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। मानो आगे और भी चैप्टर्स बनेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।